नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के सबसे ज्यादा बोनस देने वाले शेयर के बारे में और साथ ही साथ एक बेहतर रिटर्न भी दिया है। और साथ ही साथ बता दें एफएमसीजी सेक्टर जो एक इवर ग्रीन सेक्टर है, आपने मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखा होगा लेकिन एफएमसीजी के स्टॉक्स में बहुत ही कम गिरावट आया था। इस वीडियो में हम आपको एफएमसीजी सेक्टर के सबसे ज्यादा बोनस देने वाले शेयर के बारे में बात करेंगे। नजर में कौन सबसे ज्यादा बोनस देने वाले शेयर है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसमें हम जो दो ज्यादा बोनस देने वाले शेयर हैं उसके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब जो 20 साल का अंतराल है उसमें सबसे ज्यादा बोनस देने वाले शेयर अलग है और अपने पूरे लाइफ टाइम में, मतलब वैसी कंपनियां जो अपने पूरे लाइफ में सबसे ज्यादा बोनस दी है एफएमसीजी सेक्टर के, वो अलग कंपनी है। तो हमें तो चाहिए रिसेंट टाइम का रिकॉर्ड। बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि जो बीत गया उससे क्या लेना देना। तो दोस्तों ये आपको बताते हैं कि किस प्रकार का मल्टीबैगर रिटर्न आप शेयर मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं और मतलब किस तरह की कंपनियों से आप ये ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखना है। वैसी कंपनियां जिसके प्रोडक्ट आगे 20 साल तक मार्केट में एक लीडर के रूप में बना रहेगा, वही कंपनियां आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अब वैसी कंपनियां जो आपको 2-4 साल तक मार्केट में पूरा धमाल मचाती है, फिर वो एक उसके प्रोडक्ट जो है मार्केट में पूरी तरह से नीचे आ जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, तो वो कंपनियों का शेयर भी 2-4 साल तक परफॉर्म करेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे कंपनियां जो कि सीजनल आती है 2-4 सालों के लिए, तो उसमें आप जो लॉन्ग टर्म का जो वेल्थ क्रिएट है वो नहीं कर पाएंगे। तो जो एफएमसीजी सेक्टर है इसके जो टॉप स्टॉक्स है जैसे एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, कोलगेट हो गया, मैरिको हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, ये सारे जो इवर ग्रीन कंपनियां हैं, मतलब ये आपको कभी कभी इसमें आपको गिरावट देखने मिलेगा, नहीं तो ज्यादातर ये एक कांस्टेंट रूप से, मतलब स्लो स्लो धीरे धीरे ये आपको ग्रो करते हुए देखने मिलेगा। तो ऐसे ही बेहतरीन कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं जो एफएमसीजी सेक्टर से है और सबसे ज्यादा बोनस देने वाली कंपनियां है। ये कंपनियां है हमारा डाबर इंडिया। दोस्तों डाबर आप सुने होंगे, डाबर ग्लूकोज, डाबर के बहुत सारे, डाबर हनी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट को लीड करता है। डाबर ग्लूकोज मार्केट को लीड करता है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट वाली कंपनी आपको चुनना है जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। हम डाबर के जो ग्लूकोज यूज करते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह बहुत सारे आदमी को अच्छा लगता है, तो उसी तरह आपको देखना आपको क्या अच्छा लगता है, वो जो आप सामान डेली लाइफ में यूज करते हैं वो उसकी कंपनियां कौन सी है, क्या वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, इन सारी बातों को आपको देखना है। आप जैसे जिलेट है उसका भी आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सेविंग के लिए, तो ये सारी बेहतरीन कंपनियां हैं। तो साथ साथ ये भी देखना आगे क्या उसको कोई ऐसे प्रोडक्ट आ सकती है दूसरी कंपनी का जो उस प्रोडक्ट को टक्कर दे सकती है। अगर वो मतलब कंपटीशन दे सकती है और उसमें बाजी मार लेता है तो आपको सेकेंड कंपनी चूज करना है जिस जो कि अभी मार्केट में आएगी और कंपटीशन दे करके आगे मतलब ग्रो कर जाएगी, तो उसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम डाबर के सबसे पहले देख लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन को। कॉर्पोरेट एक्शन कब कब ये मतलब बोनस दिया है, कब डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड देखिएगा काफ़ी मतलब कांस्टेंट है, देखते 140% 2019 में, 150%, तो इस तरह से फिर 2018 में देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिया है, 500%, 625 इसको जोड़ दीजिएगा तो, फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो हो गया 750% का डिविडेंड, मतलब 7 रुपीज का डिविडेंड और स्टॉक्स मात्र है 484 रुपीज का। उसके बाद बोनस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए बोनस 2010 में दिया है, 2006 में दिया है, 2005 में दिया है, 1993 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो 20 साल का अंतराल लेंथ, यहाँ पर ये रेगुलर इंटरवल पे बोनस दिया है और फिर स्टॉक स्प्लिट भी किया है 2000 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो स्टॉक स्प्लिट हुआ तो आपका शेयर कितना हो गया, 10 गुना। अगर आप 1 शेयर बाय किए होते तो 10 शेयर हो जाता, अगर 1000 शेयर बाय किए होते तो कितना हो जाता, 1000, तो 10000 शेयर। अगर मान के चलते 1000 शेयर बाय किए तो स्प्लिट के कारण आपका शेयर हो गया 10000। अब बोनस की बात करें तो यहाँ से देखते हैं बोनस 1993 में, मतलब 1 शेयर पर 4 शेयर फ्री, 10000 शेयर आपका हो चुका था स्प्लिट होने से। अगर इसको शामिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना शेयर फ्री, तो 10 गुना 4 40000 शेयर फ्री मिलेगा, तो आपके पास कुल हो जाएगा 50000 शेयर। 50000 1:1 तो हो गया कितना, 1 लाख शेयर। फिर यहां से 1:2, मतलब 2 शेयर पर 1 फ्री मिलेगा, तो आपके पास है 1 लाख शेयर। 50000 शेयर फ्री तो हो गया आपके पास कितना, 1,50,000 शेयर। 1,50,000 शेयर फिर 2 गुना कर दीजिए 1:1 बोनस, मतलब आपके पास हो गया 3 लाख शेयर।
अगर 1000 शेयर आप बाय किए होते डाबर में तो आपका शेयर हो जाता कितना, 3,00,000 शेयर। 1000 शेयर बन गया आपका 3,00,000 शेयर। कब, 1990 में आप बाय करते तो 30 साल के होराइजन में। अगर 20 साल में बाय करते यहाँ से, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्प्लिट होने से कितना हो गया आपका शेयर, 10 गुना मतलब 10,000 शेयर, 10 दुनी 20,000 शेयर, 30,000 शेयर, 30 दुनी 60,000 शेयर। अगर आप 2000 ईस्वी के पहले भी मतलब 1999 में बाय कर लेते, इन्वेस्ट किए होते, तो भी आपका शेयर जो है हो जाता 60,000 शेयर। तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। साथ ही साथ इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे, चार्ट पे भी ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। मतलब सिर्फ बोनस और स्प्लिट से ही नहीं, बोनस और स्प्लिट से ये आपका नंबर ऑफ शेयर को काफ़ी मल्टीप्लाई कर देता है। बहुत लोग इस मैजिक को नहीं जानते हैं तो उन्हें इस बात का दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आपको बोनस और स्प्लिट्स के आधार पर स्टॉक को नहीं चूज करना, आपको स्टॉक चूज करना है बिजनेस के आधार पर, कंपनी के मैनेजमेंट के आधार पर। कंपनी जब बेहतरीन होगा तो हर चीज़ वो आपको डिविडेंड भी देगा, बोनस भी देगा, स्प्लिट भी देगा। तो कंपनी को चूज करना है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट उसका बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद अब वो सारी चीज बोनस भी देगा, स्प्लिट भी देगा, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट चुनना है, फिर मतलब मैनेजमेंट जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो उस कंपनी को चुनना है। तो कंपनी चुन लिए, इन्वेस्ट करना है, फिर सब चीज़ आपको खुद ब खुद मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूएशन का। तो मार्केट कैप देखते हैं 85,000 करोड़ का है, पी देख लीजिएगा 73 का है। यहाँ पर आपने देख लिया डिविडेंड 300% का है, अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज का है। तो हमने बात किया कि डाबर इंडिया सबसे ज़्यादा बोनस दिया है, इससे भी ज़्यादा बोनस जो है कोलगेट ने दिया है। लेकिन कोलगेट का हम बोनस आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोलगेट का। तो ये 2015 में बोनस दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये 1993, 91, 87 मतलब हमारे जो रेंज है 20 साल का रेंज, उससे काफ़ी पहले ये दिया है। तो काफ़ी ओल्ड में जाते हैं, काफ़ी पुराने समय में देखने जाते हैं, तो हमारा कोलगेट बहुत अच्छा बोनस दिया है। स्प्लिट का यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब बहुत पहले स्प्लिट हो गया होगा। तो इतने बहुत ही पुराने की बात करेंगे, मतलब पूरे लाइफ टाइम में बात करेंगे, कोलगेट सबसे ज़्यादा बार बोनस दिया है। लेकिन जो हमारा 20 साल का होराइजन है उसमें डाबर सबसे ज़्यादा दिया है बोनस। उसके बाद और भी है, मैरिको है, वो भी अच्छा बोनस दिया है इधर 10 साल के अंतराल में। गोदरेज कंज्यूमर, वो भी बोनस दिया है। तो वह कई सारी कंपनियां हैं एफएमसीजी सेक्टर में जो कि पिछले कई सालों से अच्छा बोनस दे रही है रेगुलर इंटरवल पे। लेकिन डाबर उन सब में से काफ़ी बेहतरीन है, इसका चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। और डिविडेंड देखेगा तो डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन दिया, देख सकते हैं डिविडेंड आप यहाँ पर देख लीजिए, रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड दिया है। 2017 में 2 बार, 18 में 3 बार, 16 में 2 बार, 15 में 2 बार, तो डिविडेंड भी काफ़ी शानदार दिया है। तो जो एफएमसीजी के बेहतरीन स्टॉक्स है, जैसे एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, उसी तरह से मैरिको हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, तो इस तरह के 2-3 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज मतलब पोर्टफोलियो का साइज जो है काफ़ी बड़ा है। तो उसके बाद इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। जो रेशियो है, ये जो रेशियो है हमारा डिफरेंट रेशियो, इसको भी आपको देखना है कि जो रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पर, रिटर्न जो इक्विटी पर, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उसको जरूर देखिए कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कंपनी का क्या है। वो जितना अच्छा होगा आपका रिटर्न भी उतना बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर रिजर्व देख लीजिए, कंपनी का बैलेंस शीट है, तो देखते हैं 4,397 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और डेप्ट देखें तो 113 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास। तो डेप्ट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पिछले साल से ये काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो कंपनी धीरे धीरे अपने डेप्ट को भी कम करे, तो ये डेप्ट मामूली है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद नीचे आते हैं तो कैश और बैंक बैलेंस 525 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। और बुक वैल्यू देख लेते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू जो है देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है, मतलब कंपनी के पास जो एसेट है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। वहीं कंपनी का सेल्स अगर देखना चाहते हैं टर्नओवर, तो आप यहां पर फाइनेंशियल में जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सारे बोनस स्प्लिट कैसे देखते हैं, कहां देखते हैं, तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम देखते हैं। मनी कंट्रोल पर जिस तरह से हम सर्च करें इसी तरह से आपको भी सर्च करना है, यहाँ सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई भी स्टॉक पहले सर्च करना है, स्टॉक जब सर्च करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, कंपनी का सेल्स लगातार यहाँ पर कांस्टेंट था एक तरह से। और प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट भी कांस्टेंट था, सिर्फ मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट, जो कि सारी कंपनियों के प्रॉफिट अफेक्टेड हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन था,
लास्ट के 10 दिन 15 दिन, तो इस तरह से सारे कंपनियों के रिजल्ट इफेक्टेड हुए हैं। फिर उसके बाद रेशियो देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो जो है वो क्या है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेशियो क्या बताता है इस कंपनी के बारे में। अर्निंग पर शेयर देखते हैं, लगातार इंक्रीज हुआ था अर्निंग पर शेयर, इस साल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। उसके बाद जो डिफरेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ज़रूर देखिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 32, 27, 30 इतना परसेंट का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है, तो इससे बेहतर आपको क्या मिलेगा। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट देखिए काफ़ी बेहतरीन है, 21%, 19%, 18%। और उसके बाद तो जो स्टॉक्स है काफ़ी सेफ है, मतलब आप इसमें जब भी थोड़ा सा करेक्शन आता है आप इसमें बाय कर लेते हैं, तो काफ़ी सेफ है ये आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज से। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ये भी देखिएगा काफ़ी बेहतरीन है, तो सारे पैरामीटर्स इसके काफ़ी बेहतरीन है। तो अब आपको इसके जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उसको कंपेयर करना है, तो सारे कंपेरिजन के बाद तब आपको इसमें जो इन्वेस्ट करनी है। तो सारा चीज़ आपको देखना है, सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद आपको तब जाके इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिएगा, काफ़ी देखते हैं काफ़ी निग्लिजिबल है एक तरह से, तो सारे पैरामीटर्स पे ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो अब हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करते हैं, तो चलिए हम फिर आपको लॉन्ग चार्ट दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म में ये कैसा रिटर्न दिया है, चार्ट कैसा है इसका। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के वेबसाइट पर, अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन दे गए लिंक से जाकर के जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता, इंट्राडे में आपको मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर लॉट लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डाबर के जो चार्ट है उसके लेवल्स और टारगेट के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं अभी जो इसका करेंट प्राइस है वो है 482 रुपीज़, और यहाँ से आप देखते हैं यहाँ से जो ये ब्रेकआउट दिया है ये 440 रुपीज़ के आसपास से, तो यहाँ से ये काफ़ी तेज़ी इसमें देखने मिला है, यहाँ से 40 रुपीज़ का मूवमेंटम इसमें आया है। तो बार बार देख सकते हैं आप इस रेंज में आता है स्टॉक्स, फिर इसमें अपवर्ड मूवमेंटम आता है, इस रेंज में आता है फिर अपवर्ड मूवमेंटम। 425 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट है, यहाँ से आता है फिर से ये स्टॉक बाउंस बैक करता है, यहाँ पर आता है फिर से बाउंस बैक करता है, और ऊपर का जो इसका रेसिस्टेंस है जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है वो है 520 रुपीज़ इसका फाइनल रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर आप ये ब्रेकआउट देता है जिस प्राइस पर आप देख रहे हैं तो फिर ये 500 के ऊपर पहुँच जाएगा, तो 500 के ऊपर इसका सबसे जो मेजर रेसिस्टेंस है वो है 520। लेकिन जो FMCG के स्टॉक्स आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए मिलेंगे, और इसमें करेक्शन भी आता है तो काफ़ी धीरे आता है, लेकिन यहाँ जो पैंडेमिक में गिरावट आया था देखते हैं तो यहाँ से काफ़ी मतलब तेज़ी से ये रिकवरी किया, काफ़ी तेज़ी से रिकवरी किया, फिर यहाँ पर 520 के आसपास जाने के बाद फिर से इसमें गिरावट आया, और ये फिर से ये स्टॉक्स 421 रुपीज़ तक आया, यहाँ से फिर इसमें काफ़ी तेज़ी से देखते हैं यहाँ ब्रेकआउट देखने मिला, फिर से ये यहाँ पर आया। तो 425 रुपीज़ है इसका सबसे मेजर सपोर्ट है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 520 रुपीज़ है। और RSI की बात करें तो RSI यहाँ पर देखते हैं यहाँ से काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, यहाँ पर जब इस करेंट प्राइस पे गया है तो थोड़ा सा इसमें कभी स्ट्रेंथ आता है कभी वीकनेस आता है। अभी जो RSI का वैल्यू है वो 64 है, तो अभी RSI में मतलब कुछ वैसा बाय सिग्नल या ओवरबाउट सिग्नल वैसा कुछ नहीं, लेकिन जो इसमें बाइंग का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी आया है। मतलब जैसे ये चार्ट जो है मतलब ये जो ग्राफ है ऊपर जाता है तो हम मानते हैं उसमें बाय का स्ट्रेंथ आ रहा है, जैसे ये चार्ट नीचे आएगा मतलब वो वीकनेस हुआ, मतलब वहाँ सेलिंग प्रेशर है। तो अभी इसमें क्या है बाइंग का प्रेशर है, मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये चार्ट, वहाँ से ऊपर जाना शुरू किया मतलब इसमें बाय करने का स्ट्रेंथ आने लगा, तो आपको यहीं पर इन्वेस्ट कर देनी चाहिए, यहाँ पर जो नीचे के लेवल पर यहाँ से जैसे स्ट्रेंथ दिखा आप बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ से जैसे ये वीकनेस दिखाता तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, इसका चार्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट कैसा है। तो दोस्तों ये है लॉन्ग टर्म का चार्ट डाबर इंडिया का, अभी जो करेंट प्राइस इसका चल रहा है 482 रुपीज़, आज जो है ये 2 रुपीज़ 40 पैसा डाउन है, और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है देख सकते हैं। और यहाँ से रिटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म में ये जो रिटर्न दिया है वो है 6482%, मतलब 6500 आसपास ये रिटर्न दिया है, और इसमें जो गिरावट आया है पेंडेमिक के कारण उसके बाद, अगर उससे पहले बात करें तो ये 7000 के आसपास रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। साथ ही इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड भी मिलता है, और साथ साथ ये एक ब्लू चिप कंपनी है तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी सिक्योर रहता है।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।